ओम जय श्री कृष्ण। मैं हरिराम सिंह अपने आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ कि क्रशर के क्या क्या डॉन्ट्स होना चाहिए, यानी क्रशर में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि वो सावधानियों के बिना हम क्रशर को कभी भी चालू नहीं कर सकते। कभी भी क्रशर जब तक पूर्ण रूप से ठीक न हो जाए तब तक क्रशर को कभी भी चालू नहीं करना चाहिए। क्रशर का इंटरलॉक प्रोडक्शन हर हालत में ठीक रहना चाहिए और इंटरलॉक प्रोडक्शन के साथ किसी भी प्रकार का समझौता हम नहीं कर सकते। कभी भी इंस्पेक्शन डोर खुला हो या कवर कोई खुला हो, उस हालत में कभी भी क्रशर को चालू नहीं करना चाहिए। किसी भी इंस्पेक्शन डोर या कवर को चालू स्थिति में कभी भी ओपन नहीं करना चाहिए। चालू स्थिति में हम कवर को ओपन भी नहीं कर सकते हैं, और जब तक कवर लगा न हो तब तक हम चालू भी नहीं कर सकते। क्रशर को तब तक चालू नहीं करना चाहिए जब तक उसके रोटरी पार्ट्स में प्रोटेक्टिव गार्ड न लगे हों, क्योंकि रोटरी पार्ट्स बहुत इंजूरियस होते हैं। किसी प्रकार का उसमें कपड़े वगैरह फंस जाने से आदमी को एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए प्रोटेक्टिव गार्ड को लगना अति आवश्यक है। जब तक क्रशर अपना फुल स्पीड न पकड़ लिया हो तब तक हम कोयले का फीडिंग उसमें कभी भी नहीं डालना चाहिए। क्रशर के ऊपर कभी भी रनिंग कंडीशन में खड़ा नहीं रहना चाहिए, कभी भी चढ़ना नहीं चाहिए। किसी भी प्रकार का एडजस्टमेंट या किसी भी प्रकार का रनिंग कंडीशन में काम करना, सुधारना कभी भी अलाउ नहीं होना चाहिए। वो काम कभी भी नहीं करना चाहिए जो रनिंग कंडीशन में काम करने की आवश्यकता पड़े। कोई भी मेंटेनेंस एक्टिविटी को तब तक नहीं करना चाहिए जब तक टॉप कवर को पूर्ण रूप से सिक्योरली टाइट ना कर दिया गया हो। टॉप कवर में ऐसा देखा गया है कि इस टॉप कवर के चलते बहुत सारे अंटवर्ल्ड एक्सीडेंट हो चुके हैं, इसलिए टॉप कवर को फुल्ली सिक्योर करने के बाद में उसमें मेंटेनेंस एक्टिविटी चालू करना चाहिए, नहीं तो कभी भी नहीं चालू करना चाहिए। कभी भी क्रशर को ऑपरेट नहीं करना चाहिए जब किसी भी प्रकार का एबनॉर्मल साउंड हो, एक्सेसिव वाइब्रेशन हो या बेयरिंग टेम्परेचर एक्सेसिव हो। जैसे एक्सेसिव वाइब्रेशन अगर 0.15 mm का वाइब्रेशन होता है, और 0.15 mm का एक्सेसिव वाइब्रेशन होता है तो हमको क्रशर को बंद कर देना चाहिए। बेयरिंग टेम्परेचर अगर 80 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाता है तो हमको क्रशर को बंद कर देना चाहिए। जब तक क्रशर का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ठीक न हो तब तक हमको क्रशर को कभी चालू नहीं रहना चाहिए। उसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पहले ठीक करना अति आवश्यक है। क्रशर के लोड की स्थिति में कभी भी क्रशर को स्टार्ट या स्टॉप नहीं कर सकते, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। इसी सब के साथ मैं आप लोगों को आशा करता हूँ कि डॉन्ट्स की सूचना आप लोगों को दे पाए होंगे। इसके साथ आप कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।